नमस्कार भोपाल, मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा भंग करने और कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। व्यापम मामले में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल आंदोलन। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हुआ सत्रारंभ। नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी पहुंचे। जिला पुलिस मुख्यालय पर महिला अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने ली बैठक। स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने किया वेबसाइट और ओपन स्कूल ऐप का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को सरदार सरोवर बांध विषय पर हुए हंगामे के बाद भंग विधानसभा का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस द्वारा चर्चा की मांग किए जाने के बाद विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया था। सदन अनिश्चित काल के लिए भंग कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने पैदल मार्च किया और धरना प्रदर्शन किया था। सदन भंग होने के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस ने गुरुवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। वहीं राजगढ़ में कांग्रेसियों ने इसे राजनीतिक आतंकवाद की संख्या देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की आग अब तक शांत नहीं हुई है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हल्ला बोल आंदोलन किया। व्यापम मामले में सीबीआई जांच के बीच मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। व्यापम के असली आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने गुरुवार को यह प्रदर्शन किया। आंदोलन के जरिए आप नेताओं ने कहा, इस चेतावनी धरने के बाद आप यूथ विंग 17 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी। व्यापम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने के साथ ही दोषियों को जेल भेजे जाने की मांग की गई। वहीं गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गुरुवार को सत्र आरंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भोपाल पहुंचे। नए विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति बीके कुठियाला भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम समन्वय भवन भोपाल में आयोजित किया गया था। कानून बनने में देर लगी, बाद में कानून बना। तो बहुत ताकत छुपी हुई इस देश के साधारण लोगों के। हमारे यहां वेद में एक मंत्र है जो पहला मंत्र है ऋग्वेद, जो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, ईश्वरीय ज्ञान कही जाती है। अग्नि मीरे पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युजम होता रम रत्न भाते। समाज की बेहतरी का विचार रखने वाले लोगों, ऋग्वेद कहता है आओ एक साथ। तो बाप अपनी बेटी की आजादी के लिए भागा। वो चाहता था, बात तो कर रहा था कि इसकी शादी कहाँ कैसे करनी है, लेकिन उसको तो वैशाली में भी कर रहा है। चंडीगढ़ पहुंचा ट्रक और वो धक्के खाता खाता गली गली। इत्तेफाक से कैसे आदमी से मिल गया पूरे दिन के धक्कों के बाद कि जो हमारी पत्रिका का क्या। उस आदमी ने कहा, भाई मैं तो जानता नहीं हूं कि कैसे मदद करूं आपकी, लेकिन कैलाश सत्यार्थी के पास चले जाओ, इस पत्रिका में तुम्हारी कहानी छपी। मैं क्या करता था कि जब कहानी लिखता था किसी की, खुद ही मैं रिपोर्टर था, खुद ही एडिट करता था, और लिखने के बाद फिर उसके नीचे लिखता था कि पाठक क्या कर सकते हैं। 8-10 या 5-6 चीजें तो कम से कम उन्हें लिखते ही था सलाह कि आप क्या कर सकते हो। आप चिट्ठी लिख सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप जांच के मदद कर सकते हो, उस आदमी की या उस बच्चे की महिला की। ये लिखता था मैं क्या कर सकते हो। तो लोग करते भी थे, तो वो पत्रिका एक मंच बन गई थी एक्शन की। महिला अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरुणा मोहन राव ने गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया। नवीन पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में भोपाल के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों ने भी भाग लिया। बैठक में बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रसार किया जाना था। कैसे छात्र छात्राओं के साथ घटित अपराधों की रोकथाम कर सकते हैं, छात्र छात्राओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए स्कूल प्रबंधन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी उद्देश्य को लेकर ही आज का बैठक का आयोजन किया गया है।
On behalf of the tourism department, I extend a very warm welcome to all of you. Despite the rains, you have made it here, so it shows that you are also concerned about this issue. हम लोगों के लिए एक बहुत चुनौती है बच्चों के या स्कूल के जाने वाले जो बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं. एक तो उनका देयर नाउ एक्सपोज टू सो मेनी अदर एरियाज विच अर्लियर स्टूडेंट्स वर नॉट. सो वी हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स इनटू कंसीडरेशन एंड एंश्योर दैट दे कम सेफली फ्रॉम देयर होम. गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की वेबसाइट लॉन्च की. इसके साथ ही उन्होंने ओपन स्कूल का मोबाइल ऐप भी लोकार्पित किया. वेबसाइट और ऐप लोकार्पण के बाद मंत्री विजय शाह ने कहा, ओपन स्कूल से संबंधित जानकारियों के लिए ये ऐप विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देगा. अभी ऐप लॉन्च किया गया है, जरूरत पड़ी तो इसमें जरूर सुधार भी किए जाएंगे. उन्होंने इसके लिए 15 दिन की समय सीमा भी तय की है. नहीं मिलता और अगर मिल भी गया तो उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी, और इस चक्कर में चाहे संस्कृत की पाठशाला हो चाहे पौरत्व का डिप्लोमा हो, कहीं पर भी महिलाओं को स्थान नहीं. और इसलिए सबसे पहले हम ओपन स्कूल के भी चेयरमैन है, ओपन स्कूल के भी ऐप हमने लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देना, संस्कृत की गतिविधियाँ, संस्कृत के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब हम ऐप के माध्यम से डाउनलोड करेंगे और व्यक्ति अपने मोबाइल पर देख सकता है. अभी चूँकि आज पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको साल भर के अंदर ये इतना बढ़िया हो जाएगा कि लोग काम नहीं कर रहे हैं. ये आज तो पहली बार अपन ने लॉन्च किया है, आज पहली बार लॉन्च किया है. मैंने कहा ना आपको कि हमने अच्छी दिशा में शुरुआत करी, अब कमियां होगी उसे दूर करेंगे. हम नहीं बोल सकते हमने आज ही सब कुछ परफेक्ट हो गया. सर तो इससे रिलेटेड नहीं ये जो साइंस है वो केवल 8 KB का है. अभी तक जो मोबाइल ऐप जितने थे वो 2.4 MB के मोबाइल ऐप था, ये केवल 8 KB का है. इसको खोला गया हम कहते हैं हर व्यक्ति डाउनलोड कर सकते हैं, 2 से 10 सेकंड में डाउनलोड. विदिशा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मरीज भर्ती हो रहे हैं लेकिन वे ज़्यादा समय अस्पताल में नहीं रुक पा रहे हैं. कुछ तो मिनटों में, कुछ घंटों में, और कुछ 2-4 दिनों में अधूरा इलाज छोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं. जून में ऐसे मरीजों की संख्या 1000 से अधिक होना बताई जा रही है. जून में मेडिकल वार्ड में मरीजों की भर्ती संख्या 3,500 थी, इसमें से करीब 1700 मरीज भर्ती होने के बाद अस्पताल छोड़कर चले गए. अस्पताल के हाल देखें तो अस्पताल में पलंग से 2 गुना मरीज नज़र आ रहे हैं. कई बार एक पलंग पर 4 मरीज भर्ती करने की नौबत बन रही है, इससे मरीज को आराम नहीं मिल पा रहा है. मरीजों की संख्या अधिक होने के बीच चिकित्सा स्टाफ भी समय पर सेवाएं नहीं दे पा रहा है. राजगढ़ के उदनखेड़ी में गुरुवार को स्कूली बच्चों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. उदनखेड़ी हाई स्कूल के करीब 200 विद्यार्थियों ने राजमार्ग क्रमांक 3 को करीब 1 घंटे तक जाम रखा. विद्यार्थियों की मांग थी कि स्कूल तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया जाए. जाम खुलवाने पहुँचे प्रशासनिक अफसरों और स्कूली विद्यार्थियों के बीच में जमकर बहस भी हुई. विदिशा शहर के रायसेन गेट स्थित प्राचीन किले की दीवार पर गुरुवार को एक नाग करीब 1 घंटे तक बैठा रहा. बताते चलें, यहाँ पहले नाग देवता की मूर्ति स्थापित थी. जैसे ही शहर में नाग दर्शन की सूचना फैली, यहाँ लोगों का तांता लग गया. इसी मंदिर में अब तक नाग पंचमी पर मेला लगता रहा है. इस दौरान कई सपेरे यहाँ आते थे और श्रद्धालु उनके दर्शन पूजन करते थे. मंदिर के पुजारी पंडित नारायण प्रसाद शर्मा ने बताया, यहाँ पिछले 40 साल से मेला लगता आ रहा है. प्राचीन किले के चारों ओर शहर की रक्षा के लिए अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी. इनमें से रायसेन गेट पर नाग देवता रक्षा करते थे. उनके द्वारा साक्षात दर्शन देने के बाद यहाँ नया मंदिर बना और मेले की परंपरा शुरू हुई. पहले बड़ी संख्या में सपेरे नाग लेकर आते थे, अब इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है. लगातार बारिश से पुराने भवन जर्जर और कमजोर हो चुके हैं. गुरुवार को विदिशा में एक ऐसा ही भवन ढहने से पड़ोसी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला निर्मला करेड़े की उम्र 42 साल बताई जा रही है. हादसा गुरुवार सुबह हुआ है.
पिछले दिनों किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई प्याज अब सड़ रही है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई इस प्याज का स्टोरेज नहीं होने से जहां करोड़ों रुपए का प्याज का नुकसान हुआ, वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। भोपाल सहित आसपास के जिलों की मंडियों में रखी ये प्याज पूरी तरह खराब हो चुकी है। इनमें फैल रही दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।